हेलो, मैं हूं करण बजाज और आप शायद मेरे बारे में ये नहीं जानते होंगे कि लाइफ के जो मैंने सबसे बड़े रिस्क लिए, अपना जॉब छोड़कर राइटर बनना फुल टाइम 2 सालों के लिए, उसके बाद डिस्कवरी को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना वाइट हैट जूनियर, वो मैंने तब लिए जब मेरे 2 छोटे बच्चे थे। तो वो क्या प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो करे लाइफ में रिस्क लेने के लिए बच्चों के बाद, और आप भी बड़े रिस्क कैसे ले सकते हैं आफ्टर चिल्ड्रन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस 5 मिनट के वीडियो में। तो पहला प्रिंसिपल जिसने रिस्क लेने में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करा, वो मैं काफी रिसर्च से सीखा कि आप खुद कैसे हैं, आपके क्या बिहेवियर हैं, आपके क्या वैल्यूज हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर कहीं ज्यादा है देन आप अगर उन्हें बताएं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, पर आपका एक्चुअल बिहेवियर ये है कि आप डर रहे हैं एक जॉब चेंज करने में, सोच रहे हैं कि आगे मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पूरा टाइम उस फियर में रह रहे हैं, तो बच्चे बिना आपके देखे वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो उनका ऑस्मोसिस हो रहा है, और उनका नजरिया लाइफ का ये बनेगा कि डरना चाहिए, कुछ पता नहीं कि जॉब हो ना हो, अगर जॉब जा रहा है तो बहुत डरना चाहिए। आपने उन्हें बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट कुछ भी बन सकते हैं, बट उन्होंने वो पिकअप करा जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, जो आप मॉडल कर रहे हैं। ये एक स्टडी थी यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा की, बुक स्टडी नाम की, कि आपके घर में कितने बुक्स हैं उसका कहीं ज्यादा इम्पैक्ट है कि आपके बच्चे रीडर बनते हैं या नहीं बनते हैं, वर्सेस आप उनको बोल रहे हैं कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं और आपके घर में बुक्स हैं, तो आपके बच्चे अपने आप रीडर्स बनेंगे, और अगर आप उन्हें बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए बट आप खुद नहीं पढ़ते, तो आपके बच्चे रीडर्स नहीं बनेंगे। तो वो आपको मॉडल कर रहे हैं और आपको मॉडल बनना पड़ेगा। ये आपने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा। मैं अगर खुद देखूं, मेरे फादर जो थे वो बचपन में हमेशा घर में योगा करते थे, मेरा कोई योगा में इंटरेस्ट नहीं था, पूरी लाइफ मेरा योगा में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, अंटिल मैं अगर अभी देखूं एट एज 40 मैं भी अपने घर में योगा कर रहा हूं, क्योंकि जो उनका बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऑस्मोसिस था, कुछ एब्जॉर्ब होता जा रहा था, फिर इवेंचुअली मेरा योगा में इंटरेस्ट आया 35 पे जाकर, एज 35 पर फिर मैंने योगा आश्रम में सीखा, और उसके बाद मैं भी घर पे अब योगा करता हूँ। एग्जैक्टली जब मैं ग्रो अप कर रहा था तो मेरे डैड भी जब थे 40 के, वो भी घर पे योगा कर रहे थे। तो जो आपके पेरेंट्स का बिहेवियर होता है आप उसको अनकॉन्शियसली मॉडल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आर्टिस्ट, रिस्क टेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पायनियर्स, लीडर्स बने, तो आपको भी रिस्क टेकर, एंटरप्रेन्योर, पायनियर और लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मॉडल करेंगे वो आपके बच्चे देखेंगे। तो मैं हमेशा जब एक मोड़ पे था लाइफ में कि अब ये डिस्कवरी का जॉब छोड़कर एक टेक स्टार्टअप करूं, तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता था अपने दिमाग में कि मैं अपने बच्चों को क्या एडवाइस करूंगा, एंड हर बार मेरे दिमाग में आता था कि अपने बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि नई चीजें सीखो, रिस्क लो। तो मुझे लगा कि अगर मैं उनको ये एडवाइस करूंगा तो मुझे भी वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, और ये फर्दर रिसर्च से वैलिडेट होता है। एक बहुत अच्छा रिसर्च है ग्रोथ माइंडसेट नाम का, कि इवेंचुअली वो बच्चे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, जिन्हें लगता है कि लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, क्योंकि उनका दिमाग इलास्टिक है, उनका पोटेंशियल इलास्टिक है, वर्सेस एक फिक्स माइंडसेट कि मेरा ये पर्सनालिटी है, मेरा ये टैलेंट है, मेरे ये वीकनेसेस हैं और मैं उसको कभी ओवरकम नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट से ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड वो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको मॉडल करना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बस ये एक प्रिंसिपल लेकर मैंने मल्टीपल टाइम्स अपना जॉब छोड़ के कभी राइटर बना, कभी अपना स्टार्टअप करा, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी बड़ा होकर ऐसे रिस्क लेते रहें और एक पैशनेट रिस्क टेकिंग लाइफ जिए। और दूसरा प्रिंसिपल जो मैंने काफ़ी बार यूज़ करा डिसाइड करने के लिए कि ये जॉब छोड़कर कुछ नया प्रोजेक्ट करूं या नहीं करूं, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बताता है कि आपके पास कितना सेविंग्स का बफर है लास्ट करने के लिए जब आप एक रिस्क लेते हैं, और इसको मैं सैलरी डिवाइडेड बाय $20,000 या सैलरी डिवाइडेड बाय 14 लाख रूल का नाम दे रहा हूँ। तो ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करें कि आपकी टोटल लिक्विड सेविंग्स कितनी है, एंड जब मैं लिक्विड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब कि लैंड या फिक्स एसेट्स है, घर उसमें नहीं है, ऐसी सेविंग्स हैं चाहे वो कैश हो या स्टॉक मार्केट में हो, कि आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट कर सके अगर ज़रूरत पड़े। तो आपकी टोटल लिक्विड सेविंग्स कितनी है और आपका ऑल इन मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड ये सब कुछ इंक्लूड करता है आपका घर का रेंट, आपके बच्चों की फीस, बच्चों का सारा खर्चा, सब कुछ मिला के आपकी टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आपका टोटल सेविंग्स लिक्विड 80 लाख में है, स्टॉक्स में, कैश में, और आपका मंथली एक्सपेंसेस घर का 4 लाख है, तो आपके पास 20 मंथ्स का बफर है सेविंग्स का,
जिसके अंदर आप एक रिस्क ले सकते हैं, बट उससे आपको वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा एक जॉब ढूंढने के लिए अगर आपका जो ये रिस्क है ये वर्कआउट नहीं करा। अगर आपने बुक लिखने के लिए करा है और आपका बुक नहीं वर्कआउट करा तो आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होगा जॉब ढूंढने के लिए, तो उसको आपको इस पीरियड से सबट्रैक्ट करना होगा। एंड उसके लिए हम वो रूल यूज करते हैं सैलरी डिवाइडेड बाय $20,000। ये एक पुराना रूल था 2005 में आउटप्लेसमेंट नाम की एक कंपनी ने करा था यूएस में स्टडी, बट मैंने ये रूल बहुत वैलिड देखा है कि वो इंडिया में भी काम करता है कि एक जॉब ढूंढने के लिए आपको सैलरी डिवाइड बाय 14 लाख, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू फाइंड द जॉब। तो अगर आपका 1 करोड़ आपकी सैलरी है तो आप 1 करोड़ डिवाइड बाय 14 लाख, मतलब आपको 7 महीने लगेंगे वो जॉब ढूंढने के लिए। अगर सैलरी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप पिरामिड के टॉप पर हैं जहाँ पे रोल्स कम है, सैलरी कम है तो कम टाइम लगता है क्योंकि काफी रोल्स अवेलेबल हैं। बट सैलरी डिवाइड बाय 14 लाख इज अ गुड इंडिकेटर कि इतने महीने लगते हैं आपको एक जॉब ढूंढने में। तो मैं वो कैलकुलेट करता था। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, आपके पास पहले 20 महीने थे सेविंग्स में, 80 लाख का आपका टोटल सेविंग्स था और आपका 4 लाख मंथली खर्चा था, तो 80 डिवाइड बाय 4 आपके पास 20 मंथ्स थे। नाउ आपका सैलरी 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 14 मतलब 7, तो आप 20 - 7 दैट मीन्स आपके पास 13 महीने हैं फुल टाइम आप बेहिचक अपने आइडिया पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए कि लास्ट 7 मंथ्स 20 मंथ्स में से आप जॉब ढूंढने में लगाएंगे ताकि वापस आपका एक इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए। नाउ अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो यू कैन गो द ऑपोजिट एंड डबल दिस रूल। आप बोल सकते हैं कि सैलरी डिवाइड बाय 7 लाख का मैं रूल लगाता हूं, वो तो उसमें तो 100% आपको जॉब मिल जाना चाहिए। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 20 महीने थे, नाउ हमने सैलरी डिवाइडेड बाय 7 लाख करा तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 7 लाख, दैट मीन्स आपको 14 मंथ्स लगेंगे एक जॉब ढूंढने में। तो 20 मंथ्स - 14 मंथ्स 6 महीने, 6 महीने का आपके पास अनइंटरप्टेड टाइम है अपना प्रोजेक्ट करने के लिए एंड होपफुली उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। एग्जैक्टली यही रूल मैंने बार बार यूज करा, पहले अपना जॉब छोड़कर एक राइटर बनने के लिए। मुझे पता था कि एक राइटर बनना बहुत मुश्किल काम है, शायद इसका इनकम मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे पास ये सेविंग्स का बफर था, एक एस्टिमेशन था कि कितना टाइम लगेगा एक जॉब ढूंढने में इसके बाद, और वो यूज कर मैंने एक फुल टाइम राइटर बना 2 साल के लिए। और उसके बाद वंस अगेन जब डिस्कवरी छोड़ा व्हाइट हैट जूनियर करने के लिए, यही कैलकुलेशन यूज करके मैंने कहा कि हाँ 2 साल करता हूँ या 1.5 साल करता हूँ और उसके बाद एक और जॉब ढूंढूंगा और उस टाइम पे एकदम फुल फोकस उस पर करूंगा विदाउट इधर उधर जॉब ढूंढे या कंसल्टिंग करे या कुछ करे, और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसके अंदर एक बहुत अच्छा न्यूज है, आप जो भी नया प्रोजेक्ट करेंगे आप इसके अंदर इतना ज्यादा ग्रो करेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये चाहे जो भी रूल्स हो, सैलरी डिवाइड बाय 20,000, सैलरी डिवाइड बाय 10,000, सैलरी डिवाइड बाय 14 लाख और 7 लाख, आप जो भी एस्टिमेशन ले लें आप उससे कम टाइम में आपको जनरली जॉब मिल जाता है। जैसे जब मैंने राइटर छोड़ा, 2 साल राइटिंग करने की कोशिश करी उसके बाद छोड़ा राइटिंग को, तो मैंने एक और जब जॉब ढूंढा मुझे सिर्फ 2 महीने लगे डिस्कवरी का सीईओ जॉब मिलने में, और उस टाइम पे मेरे पास 2-3 और ऑफर्स भी थे क्योंकि मैंने इतना ज्यादा लर्निंग और ग्रोथ हुआ था उस राइटिंग के पीरियड में कि मार्केट ने उसको रिवॉर्ड करा। तो ये एक वर्स केस रूल मान के चलिए, सैलरी डिवाइडेड बाय 14 लाख और इतना टाइम है आपके पास टू लुक फॉर अ जॉब बिफोर योर सेविंग्स रन आउट। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था जो मैंने यूज करा। और मेरा तीसरा और फाइनल प्रिंसिपल कि अपने लाइफ में एक 10x गोल सेट कीजिए, मतलब अगर आपका गोल x है तो उसको 10 टाइम्स बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। एंड जब आप एक 10x गोल बनाते हैं तो आपकी लाइफ के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके अराउंड अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने बोला कि मुझे व्हाइट हैट जूनियर अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में हमेशा यही आता है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक स्टार्टअप चलाना एक 24/7 जॉब है तो कहां से टाइम मिलेगा अपने बच्चों के लिए। बट सिंस इतना क्लियर गोल था माइंड में, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई एम्बिग्युटी नहीं था कि इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो मैंने पूरा लाइफ उसके अराउंड कंस्ट्रक्ट करा। तो उसका मतलब ये था कि मेरे पास अपने एक्चुअली बच्चों के लिए मैंने काफी टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि कंपनी इतना ज्यादा टाइम लेगी, तो मैंने एक ऐसा रूटीन सेट करा कि मैं अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करूं उसको एकदम डीपली वो टाइम को यूज करूं। तो मैं मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट सुबह, बस उतना ही टाइम था मेरे पास, बट वो 45 मिनट्स में उनके साथ हिंदी या मैथमेटिक्स या कुछ करता था और अच्छी तरह उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। फिर उसके बाद सैटरडे संडे अगेन मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मॉर्निंग में 8 से 10 o'clock मैं उनके साथ जाता था, ब्रेकफास्ट करता था और पार्क पे ले जाता था। और रूटीन इस तरीके से मैंने सेट करा कि हर वेडनेसडे रात को, क्योंकि मेरा ऑफिस घर से काफी दूर था, मैं एक छोटे से होटल में रहता था ऑफिस के बगल में, ताकि मैं वेल रेस्टेड रहूं कम से कम एक रात के लिए, मैं सो पाऊं ढंग से ताकि मैं अपने बच्चों के लिए मॉर्निंग में हमेशा फ्रेश रहूं।
बस यही रूटीन मैंने सेट करा और मेरे पास इतना टाइम था कि डिस्पाइट एक कंपनी सेटअप करने का और उसको बहुत जल्दी स्केल करने का, आई वॉज एबल टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स। एंड अब जबकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा टाइम है अपने बच्चों के साथ, आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा फर्क है उस टाइम पे जब मैं बहुत वैल्यू करता था अपना एक एक मिनट, और अभी जब मेरा टाइम है उतना वैल्यू भी नहीं है जितना पहले हुआ करता था उस टाइम का। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है, आपके पास हमेशा टाइम होगा, टाइम की फिक्र मत कीजिए, 10x गोल सेट कर दिए और आपके पास टाइम मिल जाएगा अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आपने ढंग से उसको मैनेज करा। तो इस वीडियो के बाद अगर आप इंस्पायर हुए अपना खुद का कुछ करने का, एक रिस्क लेने का, तो डेफिनेटली मेरा हाउ टू स्टार्टअप का प्लेलिस्ट या हाउ टू राइट अ बेस्ट सेलर का प्लेलिस्ट देखेगा। और कमेंट से मुझे बताइए कि आपके दिमाग में और क्या क्वेश्चंस हैं करियर, सक्सेस या लाइफ मॉडल्स के बारे में। मैं डेफिनेटली अगले वीडियोज में आंसर करूंगा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले आंसर्स मिले। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।